गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमने अपना प्रोबेबिलिटी का जो असाइनमेंट हम कर रहे थे उसके इक्वेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। 10 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। आपको मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप ही मेरे को क्वेश्चंस के आंसर दोगे, हम डिस्कस करेंगे, राइट? चलो इधर से बच्चे प्लीज स्टैंड अप, रीड द क्वेश्चन लाउडली, जोर से आवाज आनी चाहिए तुम्हारी, एंड फिर आप आंसर करो। A lawn consists of 144 gardens, of which 20 are defective and the others are good. Yes, एक lot है जिसमें 144 pens हैं, 20 defective हैं और बाकी सारे क्या हैं? Others are good ones. Yes. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Yes, Nuri will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is defective. अगर defective है तो वो नहीं purchase करेगी इसको. Shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she buy it? Yes, क्या probability है कि वो buy करेगी? Favorable outcomes are 144 and total outcomes are 164. No. Sit down. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक लॉट में कितने पेन्स हैं? 144. सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 144. आउट ऑफ दैट 20 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं? 20. तो सही कंडीशन में कितने हो गए? 144. टोटल पेन्स हमारे पास कितने हैं? 144. डिफेक्टिव कितने हैं? 20. 20 गुड वंस कितने हो गए? 144 माइनस 20 दैट इज 124। बच्चे इट इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपका गलत हो जाता है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी तो सबको ही पता है, कैसे फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है? तो फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे? 124 एंड टोटल कितने हैं? 124. और कटिंग को छाएगी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, शी विल नॉट बाय इट, वो कब नहीं बाय करेगी? Yes, when the pen is defective. Probability is equal to 20 upon 144. Yes, probability is 20 upon 144. अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, मैं सिर्फ आंसर्स डिस्कस करूंगी। स्टेप्स आपको पता है कैसे लिखते हैं, आपको चैप्टर में करवाया हुआ है, वो आप खुद सारे के सारे लिखो। आई विल ओनली राइट द आंसर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, 13 एंड 14, ये आपके होमवर्क है। आज का होमवर्क है 12, 13, 14 एंड अलॉन्ग विद दैट 19। ये फोर क्वेश्चन इस असाइनमेंट के आपका होमवर्क है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इधर से माधव रीड क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे प्लीज रीड इट लाउडली, आवाज सुनाई देनी चाहिए मुझे। A bag contains 5 and 18 and 7 cardboards. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a white ball or a green ball and neither green ball or nor red ball. Yes, bag में कितनी red balls हैं? 5. कितनी green balls हैं? 8. और white balls कितनी हैं? 7. So first one is a white ball or a green ball. Yes, Madhav, क्या favorable होगा बच्चे? मैम फेवरेबल आउटकम्स 13। 13 कैसे आया? मैम रेड और ग्रीन को प्लस करके। किसको? रेड और ग्रीन को। हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट और अ ग्रीन? मैम 15। 15 वाइट और अ ग्रीन मींस वाइट भी आ सकती है और ग्रीन भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है दोनों में से, वाइट पिक कर लो या ग्रीन कर लो, राइट? तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 15। एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 20।
Is it clear? जब और आ जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपको समझाना, प्लीज सिट डाउन गुड। हाँ जी बच्चे, प्रीत। नीदर ग्रीन बॉल नॉर रेड बॉल। नीदर ग्रीन नॉर रेड, यस। 7/20। यस, नीदर ग्रीन मीन्स ना तो हमें ग्रीन चाहिए ना हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो क्या बच गया हमारे पास? व्हाइट, विच इज 7। सो फेवरेबल कितने हो गए? 7। और टोटल कितने हो गए? 20। करो जल्दी से नोट कर लो इसको, बी फास्ट। हरी आप जल्दी से नोट कर लो, देन विल डू द नेक्स्ट वन। डाउट तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन का हो गया था आपका सारा? मैम कंस्ट्रक्शन में जो पैरामीटर वाली क्वेश्चन थे हमें एक बार बता दो, चेक कर लो पैरामीटर वाले है ना। बोलो मैम, एक क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन 5 नहीं करना, पैरामीटर वाला है। 6 6 भी नहीं करना। 10 यस नहीं करना। 10 और 15 यस, 15 भी नहीं करना। मैम 20 20 भी नहीं करना। Yes. और मैम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो BC माइनस AC है वो 115 सेंटीमीटर दी है। उसमें मैंने बोला है कि वो एक्चुअली 11 और 15 दोनों से वो 5 से करो, मेक इट 11.5। वो 1115 नहीं है। एक्सक्यूज मैम, मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन में 35 डिग्री का एंगल बनाना है, मैम ये कौन से एंगल के पीछे से वैसे करना है, जैसे 75 90? बच्चे आपने क्वेश्चन को रीड किया अच्छे से? Read the question yourself. Read it loudly. Construct the following angles with the help of ruler and compass if possible. If possible. Is it possible to construct angle of 35 degree? No. Question को read किया करो पहले अच्छे से. If possible बोला है, इसकी construction नहीं होनी, I think दूसरे की भी नहीं होनी, 40-57 भी नहीं होगा. ठीक है? चलो, I think आपने कर लिया होगा. Now next. किसकी टर्न है? क्वेश्चन नंबर 16। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट, इस क्वेश्चन को सुन लो ध्यान से, स्टॉप राइटिंग। हां जी, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइंस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हिट? एटलीस्ट वन हिट। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, राइट? इसको करने से पहले उसने टू कॉइंस को टॉस किया है, तो हमारी सैंपल स्पेस क्या बनेगी इसमें? क्या क्या होएगा? हेड एंड हेड, रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ जी मानी, हेड एंड हेड, हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, टेल टेल। वेरी, सो ये हमारी सैंपल स्पेस है, मींस हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 टोटल आउटकम्स हैं। यस, अब हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एटलीस्ट वन है। हाँ जी मैम, 3/4। कैसे? क्योंकि मैम हेड एंड हेड में भी एक बार, मतलब टू टाइप्स हेड आया है, हेड एंड टेल में एक बार ही हेड आया है, एंड टेल एंड हेड में भी एक बार ही हेड आया है। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। एटलीस्ट मींस कम से कम, ठीक है? कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है? एक से ज्यादा? अच्छा छोड़ो छोड़ो दिव्या, तुम्हारे इस बार एग्जाम्स में एटलीस्ट 30 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हारे एटलीस्ट 30 नहीं आते तो तुम्हारी पिटाई होनी है, ठीक है? तो क्या ऑप्शन है कि तुम्हारी पिटाई होगी? क्या ऑप्शन है तुम्हारी पिटाई नहीं होगी? अगर 30 से ज्यादा आएंगे तो नहीं पिटाई होगी। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड है, ठीक है? एटलीस्ट वन हेड मीन्स एक हेड तो चाहिए चाहिए है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसको ऐसे समझोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स एटलीस्ट वन हेड में हमारे पास कितने आउटकम्स आ गए? 3 फेवरेबल, 3 हो गए ना, तो टोटल हमारे पास कितने थे? 4 समझ आया? अब इसके साथ आप एक और क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन के साथ ही लिख लो। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइंस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
वन है ठीक है। हाँ तो खैर आप सेकेंड पार्ट का नाम ही लिख दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट मोस्ट, एट लीस्ट लिखा हुआ था पहले, अब आप लिखोगे एट मोस्ट, एट मोस्ट 1 day, एट मोस्ट 1 day। अब हमने बच्चे एटलीस्ट डिस्कस कर लिया है, आपके असाइनमेंट या बुक में कहीं भी एट मोस्ट नहीं है, तो आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट ऑल्सो। अब एट मोस्ट 1 day, एट मोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपको बोलूं बच्चे, मैंने आपको एक टॉफीज का बाउल है, उसमें टॉफीज हैं, ऑफर दे रही है, यू कैन टेक एट मोस्ट 4। ज्यादा से ज्यादा तुम कितनी ले सकते हो, 4। तो मतलब आप 3 ले सकते हो, yes. 2 ले सकते हो, yes. 1 ले सकते, yes. हो, और कोई भी नहीं ले सकते, बट आप 5 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ भी एट मोस्ट 1 day क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा 1 day, ठीक है, एक से कम हो सकता है बट एक से ज्यादा डे नहीं एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एक से ज्यादा डे आ गया, yes. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे एक डे है, यहाँ एक डे है, यहाँ कोई भी डे नहीं है, सो फिर हमारे फेवरेबल कितने आ गए, 3/4। इज द डिफरेंस बिटवीन एट लीस्ट एंड एट मोस्ट क्लियर टू यू, यस मैम, करो स्टूडेंट्स, नोट कर लो इसको जल्दी से। हरिया आपने दोनों की लिखनी है एट लीस्ट एट मोस्ट, बच्चे एग्जाम में आपने कंप्लीट स्टेप लिखना है, एवरी टाइम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। अब रिवीजन चल रही है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस वजह से मैंने ही फॉर्मूला लिख लिए, सिर्फ आपको आंसर्स ही बता रही हूँ, बट यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर्स। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अ कंपनी सिलेक्टेड 4000 हाउसहोल्ड्स एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स इन होम। द इंफॉर्मेशन सो ऑब्टेन्ड इज लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ए ऑप्शन हिमानी। अ हाउसहोल्ड अर्निंग 10000 टू 14999 and exactly one television, 240 upon 4000, ऐसा क्वेश्चन हमने वैसे बुक में भी करा था, राइट। देन इज अ हाउसहोल्ड अर्निंग 25000 एंड मोर एंड ओनिंग टू टेलीविजन, यस नेक्स्ट, 760 upon 4000, राइट, समझ में आ रहा है ना, ओनली यू नीड टू स्टडी द टेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन देयर। अ हाउसहोल्ड नॉट हैविंग एनी टेलीविजन, अ हाउसहोल्ड नॉट हैविंग एनी टेलीविजन, नेक्स्ट, नो नॉट एनी टेलीविजन, जिनके पास कोई भी टेलीविजन नहीं है, ऐसे कितने जने हैं, मतलब जीरो ऑप्शन वाले कितने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या हो गया, बैठ, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमें कैटेगरी कोई नहीं बताई है इनकम की, सिंपली ये बोला है कि दे आर नॉट हैविंग टेलीविजन, तो जो जीरो के अंदर जितने आ जाएंगे वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, जीरो के अंदर कितने आ रहे हैं, 20 plus 10 30, सो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 30 upon 4000, इज इट क्लियर और आई रिपीट, क्लियर, क्लियर वाली, क्लियर, सबको क्लियर हो गया, यस मैम, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हां जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, Cards are marked with number 4, 5, 6, above 15 are placed in the box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. What is the probability of getting first an even prime number? 8.
50 तक, ठीक है. One card is drawn at random from the box. What is the probability of getting an even prime number? हाँ जी बच्चे, even prime कौन सा होता है? Even prime, वो number जो prime भी हैं और even भी हैं, they are called even prime. Prime numbers कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने table पे या one के table में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? Prime numbers. इनमें से even primes कौन से हैं? जो even होंगे? ये आप स्टैंडर्ड में इतना आपने इसको स्टडी किया था, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, आई थिंक पता नहीं कितनी बार ये किया था, ठीक है. तो ओनली प्राइम कौन सा है? 2. सॉरी, ओनली इवन प्राइम कौन सा है? 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी बताओ. वेरी गुड. टोटल कितने कार्ड्स हैं? 50 है. 47 है. 1, 2, 3 तो है ही नहीं. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 47. और इन 47 कार्ड्स में इवन प्राइम कितने हैं? 0. कोई भी इवन प्राइम नहीं है, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे. इवन प्राइम कितने हैं? 0. सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0/47, क्योंकि कोई भी इवन प्राइम नहीं है, ठीक है. Am I clear? Yes, ma'am. Chalo. Next is second part, Jagdeshwar. A number divisible by 5. Number divisible by 5. Hanji? Property is 10 upon 50. 10 upon 50, very good. हाँ जी मानी, 10 upon 47. पहले भी मैंने बताया कि कार्ड से 47 है हमारे पास, सो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 10 upon 47. ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं जब हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तब मिस्टेक्स होती हैं. आता सबको होता है प्रोबेबिलिटी का, और इतना से एक ट्रिक डाला होता है कि वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो. चलो आगे, अ मल्टीपल ऑफ 7. आपको होमवर्क में दिया है क्वेश्चन 20. अब आप क्वेश्चन 20 को भी जरा ध्यान से रीड करोगे, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है. यू रीड इट वेरी केयरफुली एंड देन यू विल रेज योर हैंड की कैसे करेंगे. ओके, क्वेश्चन 20 किसको समझ आया है कैसे करोगे? हाँ जी नितिन. 2 dice for 500 हाँ, यस, 2 dice for 500 times किया है तो यस. जैसे सपोज हमने 2 dice को थ्रो किया एट अ टाइम, एक पे एक डाइस पे 1 आ गया, एक डाइस पे 3 आ गया, तो सम कितना बन गया? 4. तो ऐसे सम गिवन है आपको सबका, सम 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 12 आ सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम 6+6 ही होगा, क्योंकि 6 मैक्सिमम नंबर है ना, तो मैक्सिमम 12 आ सकता है, राइट. तो वो थ्रो किया हुआ है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3. अब इसमें मैंने बोला था थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है, तो क्या आपको समझ आया है? 30+30 60. ये क्या है? नो, एनीवन एल्स? मैंने बस इतना बोल दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट नहीं कंफ्यूज. 30/500 होगा? यस मैम. नो, एक्चुअली इसमें क्या एक लाइन लिखी हुई है, इफ द डाइस आर थ्रोन वंस मोर.
हमें तो 500 तक की रिकॉर्डिंग दी हुई है एंड दे आर सेइंग कि अगर हम एक बार डाइस को फिर दोबारा से थ्रो करते हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब हम ऐसे अज्यूम करते हैं डाइस तो वी डोंट हैव, ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम किया मैंने एक डाइस आपने थ्रो किया, कौन सा नंबर आया उसके ऊपर? चलो मैं एक ने बोला फोर, एक डाइस पे फोर आया। चलो हिमानी आप बताओ नेक्स्ट पे कितना? टू आया, तो टोटल कितना हो गया? तो जो आपके पास सिक्स वाला बॉक्स है उसमें 72 की जगह क्या आ जाएगा? 73 हो जाएगा ना वो, क्योंकि जब आपने 501 टाइम्स थ्रो किया, 500 टाइम्स तो थ्रो करने की रिकॉर्डिंग है आपके पास, जब आपने एक बार और रिकॉर्ड किया तो आपके पास सम 6 आया, तो 6 के टेबल के नीचे 73 कर दो, प्लस 1 कर दो, कर लिया प्लस 1। आप हम सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, रेज योर हैंड, सम 3 आ जाए क्या प्रोबेबिलिटी है? 31 क्यों आएगा? 30/501, क्योंकि किसी की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, सिर्फ किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है? 6 वाले नंबर की, राइट? मैंने अपने खुद से कर दिया। यस, ये अपनी तरफ से उन्होंने हमें बोला है कि आप एक बार डाइस को थ्रो करो और फिर रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड करने के बाद आप अपना डेटा को अपडेट करके फिर आंसर करो, ठीक है? तो मैंने ऐसे, मेरे पास डाइस नहीं था तो मैंने आपको वैसे ही बोल दिया कि क्या आएगा, तो वो हमारे पास 6 आया, तो हमने 6 वाले की फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड कर दिया, राइट? 1 ऐड कर दिया 6 वाले की फ्रीक्वेंसी में, आप उसके बाद हमें आंसर देने शुरू कर दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3? तो 3 वाला तो अनचेंज्ड रहा, यस, 30/501। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 30/501। अब नेक्स्ट क्या है? मोर देन टेन। अब 10 से ज्यादा कौन सी ऑप्शन है? 11 and 12, वो भी अनऑर्डर्ड रहे हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो वो क्या आएगा? 28 + 15 = 500, ठीक है बच्चे, आप समझ में आ गया? Yes, ma'am. Next is between 8 and 12, 8 और 12 के बीच में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे? 9, 10, 11, इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज को। 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 53 + 46 + 28 divided by 501. So this is the frequency of the last one. less than or equal to 5. तो कौन कौन से आ जाएंगे? 14 + 30 + 42 + 55 हो गया, तो 5 include होगा। I hope this is clear to all. Yes, ma'am. This is all about your assignment of probability, right?